पगोडर के दिव्यांग संतोष कुमार ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने होली के मौके पर दिव्यांग बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। इसे लेकर विकलांग मानव सेवा केंद्र खटैया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जीप सदस्य अर्जुन आर्य ने पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए दिव्यांग संतोष के इस जज्बे की तारीफ की। कहा कि दिव्यांग संतोष ने वह कर दिखाया है जिसे शारीरिक रूप से सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। बता दें कि दिव्यांग संतोष कुमार के द्वारा जन सहयोग से समय पर समय दिव्यांग वर्ग के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री सहित कपड़ों का वितरण किया जाता रहा है। सोशल मीडिया साइट पर कार्यक्रम के लिए अपने दोस्तों से सहयोग की अपील की जाती है। साथ ही वे स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिस आदि पहुंचकर लोगों से सहयोग की अपील करते हैं और वे सहयोग राशि से दिव्यांग बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री, कपड़े सहित अन्य सामग्रियों का वितरण करते हैं। इसी कड़ी में होली के अवसर पर 25 दिव्यांगों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही बच्चों को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। बगोदर से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। समय समय पर दिव्यांग बच्चों को खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी आवश्यकताएं होती है, चाहे वो नामांकन के लिए राशि की जरूरत हो, छात्रवृत्ति की जरूरत हो, पाठ्य पुस्तकें लेखन सामग्री की जरूरत हो, बैग, जूता, मोजा और जाड़े के दिनों में कम्बल इत्यादि, ये सारी व्यवस्थाएं समाज के सहयोग से इस संस्था के द्वारा किया जाता है। क्योंकि होली एक सद्भावना का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो प्रतिवर्ष इस केंद्र के द्वारा भी होली मिलन समारोह मनाया जाता है, जिसका आयोजन आज किया गया है। साथ ही साथ आज कोरोना को देखते हुए यहाँ पे मास्क वितरण भी किया गया। जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जो भी लोग हैं, सभी को मास्क दिया गया फ्री में, और अभी के कार्यक्रम के बाद फिर कॉपी और कलम का वितरण किया जाएगा।